हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज की वीडियो में हम लोग एमएस ऑफिस का जो डिफरेंट डिफरेंट बार्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो वर्जन हम लोग पहले यूज करते हैं 2003, उसके बाद में 2007 आया, फिर 10 आया, अभी मोस्ट पॉपुलर यूज होने वाला 2013 है, जबकि आपका 16 और 19 भी लॉन्च हो चुका है। हम लोग आज जो बार्स और इसके जो टाइटल्स को डिस्कस करेंगे वो होगा एमएस ऑफिस 2013 जो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बार्स होते हैं जो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे सीधे तरह से आपको पूछ दिए जाते हैं। तो आज के सेशन में हम इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। तो ये शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये आपका जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये आपका एमएस ऑफिस 2013 का इंटरफेस है और यहाँ पे आपका एमएस ऑफिस का जो है ना अभी होम टैब ओपन है। अब इसमें जो है ना हम लोग ये समझते हैं कि किसे हम लोग क्या कहते हैं। सबसे पहला होता है आपका इसमें टाइटल बार। टाइटल मतलब आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल, और वो टाइटल बार आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका डॉक्यूमेंट का टाइटल बार, ये होता है टाइटल बार। इसमें जो है ना डिफरेंट डिफरेंट जो भी टैब्स है उसको हम लोग डिटेल्स में पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो इसे हम लोग जो है ना उसके किसका क्या नाम होता है, क्या उसका यूज होता है, उसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। देखिए, सबसे पहला आप जो है ना यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है आपको जो है ना रेक्टेंगल बॉक्स में, उसको आप देखिए, ये होता है आपका डॉक्यूमेंट टाइटल बार। टाइटल बार मतलब आपके डॉक्यूमेंट का जो भी नाम आप देंगे, जो भी नाम से सेव करेंगे वहां पे आपको दिखाएगा टाइटल बार में। अगर आप नाम नहीं देते हैं तो आपका जो एमएस ऑफिस है वो बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट वन नाम दे देगा, नेक्स्ट ओपन करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट टू रहेगा, इसे का जो ना बाय डिफॉल्ट लेता है। इसको क्या बोलते हैं आपका टाइटल बार। क्लियर है, एमएस ऑफिस में सबसे ऊपर होता है आपका टाइटल बार होता है, उसके बाद उसके नीचे आता है। तो उसके नीचे में आपका होता है जो आपको रेक्टेंगल बॉक्स में देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मेनू बार। इसको क्या बोलेंगे, मेनू बार। तो टाइटल बार के जस्ट नीचे वाला जो बार होता है उसको बोलते हैं मेनू बार। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टैब अवेलेबल है, जैसे होम टैब है, इंसर्ट टैब है, डिजाइन टैब है, पेज लेआउट है, रिफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू और व्यू है। आप डिफरेंट डिफरेंट टैब को ओपन करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट उसमें स्टैंडर्ड टूल बार मिलेंगे। जैसे होम टैब में आपको इतना सारा स्टैंडर्ड टूल बार आपको देखने को मिल रहा है, ये सब जो है ना आपको फॉर्मेटिंग करने के लिए है, आपको जो है ना स्टैंडर्ड टूल बार अवेलेबल हो जाता है। उससे आपको जो है ना यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे तो आपको मिलेगा, फिर डिजाइन में, पेज लेआउट में, डिफरेंट डिफरेंट अलग तरह का जो है ना ऑप्शन आपको वहाँ पे और टूल जो है ना आपको अवेलेबल होगा, जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट का फॉर्मेटिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और है जो आपके यहाँ पे जो आप देख रहे हैं जिसमें रीडो, अंडो और सेव का जो ऑप्शन आ रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार। इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, यानी कि क्विकली बहुत फास्ट आपको काम करना है ना, आपको यहाँ पे सेव, अंडो और रीडो का यूज कर सकते हैं। ये होता है सबसे पहले हम लोग देखे टाइटल बार, उसके नीचे आ गया मेनू बार, उसके बाद आपका आता है रिबन। जो आप ब्लैक कलर का जो बॉक्स देख रहे हैं रेक्टेंगल बॉक्स, इसको बोलते हैं हम लोग रिबन, या इसी के अंदर में आपको होता है स्टैंडर्ड टूल बार। तो डिफरेंट डिफरेंट टैब के लिए आपका डिफरेंट डिफरेंट टूल बार। तो सबसे पहला आपका हो गया टाइटल बार, उसके बाद हो गया मेनू बार, उसके बाद हो गया रिबन जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। तो ये आपका क्लियर है। उसके बाद आप राइट साइड में देखेंगे, यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर में, तो वहां पे आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे जिसमें क्रॉस, और उसके बाद में जिसमें हम लोग क्लोज करते हैं क्रॉस का साइन से, उसके बाद मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का जो बटन है इसको हम लोग बोलते हैं विंडो कंट्रोल। विंडो कंट्रोल, यहाँ पे विंडो को कंट्रोल करने के लिए, यानी मिनिमाइज करने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए और क्लोज करने के लिए वहां पे बटन दिए गए हैं, उसको बोलते हैं विंडो कंट्रोल। क्लियर है, सबसे पहले टाइटल बार, उसके अंदर मेनू बार, उसके अंदर रिबन, और राइट साइड में आपको देखेंगे तो आपका हो गया विंडो कंट्रोल्स। तो यहाँ से अगर आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि टाइटल बार के जस्ट नीचे कौन सा बार होता है, तो मेनू बार, मेनू बार के नीचे रिबन। अगर पूछा जाता है क्वेश्चन कि रिबन के जस्ट ऊपर क्या होता है, तो आपका मेनू बार, सबसे ऊपर क्या होता है तो टाइटल बार। क्लियर है। उसके बाद जो आपका ये बीच का एरिया दिख रहा है इसको बोलते हैं टेक्स्ट एरिया, जहाँ पे आप टाइपिंग करते हैं, आप डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं, उसको बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। नेक्स्ट आप देखेंगे नीचे में कॉर्नर पे आपका जो है यहाँ पे दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन। आपके डॉक्यूमेंट का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बता रहा है, कितने नंबर पेज पे आप हैं और कितने वर्ड्स आप लिख चुके हैं, इसको काउंट करके यहाँ पे बताता है डॉक्यूमेंट का इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट आप देखेंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग स्टेटस बार। आपके डॉक्यूमेंट के स्टेटस के बारे में यहाँ इस बार पे दिखाया जाता है
एमएस ऑफिस के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे आपका हो गया व्यू बटन, जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट का डिफरेंट डिफरेंट व्यू में आप उसको देख सकते हैं छोटा बड़ा आकर करके। उसके बाद आप यहाँ पे जो है ना जूम कर सकते हैं, यहाँ पे जूम टूल दिया गया है, आप देख सकते हैं 100% पर भी अवेलेबल है। और उसके बाद जो है ना आप इसको छोट कम या ज्यादा करके परसेंटेज बढ़ा करके इधर करेंगे तो परसेंटेज घटेगा, इधर करेंगे तो परसेंटेज बढ़ेगा। उसे आप अपने डॉक्यूमेंट को जूम करके देख सकते हैं छोटा या बड़ा करके किस व्यू में आपको देख रहा है। उसके बाद आपका होता है यहाँ पे स्क्रॉल बार, जिसको बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। इधर में जो स्क्रोलिंग होता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, और ये जो स्क्रॉल बार जिससे हम लोग इसको पकड़ कर नीचे ऊपर ले जाते हैं माउस के थ्रू, उसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल स्क्रॉल बार। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट बार्स जो है ना आपके पास अवेलेबल है। अब यहाँ से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप देख सकते हैं सबसे पहले है टाइटल बार, उसके बाद होता है मेनू बार, उसके बाद यहाँ पे ये होता है रिबन, उसके बाद यहाँ पे होता है डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे नीचे में है स्टेटस बार, ये हो गया व्यू बटन और जूम टूल्स, और यहाँ पे स्क्रोल बार। क्वेश्चन आपको जो पूछा जाएगा वो आपको जनरली जो है ना 4 बार आपको याद रखना है, 4 में जिसमें है टाइटल बार, मेनू बार, रिबन और यहाँ पे हो गया स्टेटस बार। तो इन 4 बार्स को आप ध्यान रखेंगे कि कौन कहाँ होता है और किसके बाद कौन होता है, किसके पहले कौन होता है, तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन जो है ना नहीं छूटेगा ऑब्जेक्टिव में, और कभी गलती नहीं करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको जो है ना जो भी बार्स होते हैं आपको एमएस ऑफिस में वो क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, अंत तक वीडियो देखने के लिए।